अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली, और आप सबको वेलकम करता हूं टेक्निकल एबी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक साइड पे मैंने आईडी दिखाई हुई है, ये लॉन्ग नेम, स्टाइलिश नेम और बहुत अच्छी है। तो ये आईडी कैसे बनाते हैं फेसबुक के ऊपर, आज का टॉपिक यही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए गाइस, शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ टेक्निकल एबी के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ वाले बेल वाले आइकन को भी आपने ऑन कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं न्यू लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो मैं बैक आके अपने यूसी ब्राउज़र में ऑन करता हूँ। तो ऑन करने से पहले तो आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में से एक आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी इस काम के लिए। वो कौन सी ऐप है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सर्च बार में टाइप कर लेना है टच वी पी एन, TOUCH टच वी पी एन, आपने ये सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लिंक ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आपका इंटरफेस, इस ऐप का इंटरफेस, तो इसे आपने सिंपली, ये देख सकते हैं इंटरफेस, आपने इसे सिंपली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। जहाँ पे मेरे पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने सिंपली इसे ओपन कर लेना। मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आके अपना टच वी पी एन को ऑन करता हूँ। तो ये कुछ ही सेकेंड में टच वी पी एन ऑन हो जाएगा। वेल हैंग हो रहा है, इसकी वजह से ये लेट वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप सॉन्ग सुने पीछे, तो मैं स्टॉप करके इसे कनेक्ट करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो फाइनली मैं बैक आ गया। बैक आने के बाद मैंने दोबारा टच वी पी एन को ऑन किया एक बार कैंसिल करके बैकग्राउंड पे, तो दोबारा इसे ऑन करता हूँ, देखते हैं ऑन होता है या नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से ऑन नहीं हो रहा। मैं वीडियो को स्टॉप करके आता हूँ दोबारा। देखें गाइस, ऑन हो गया मेरा टच वीपीएन। तो यहाँ पे बेस्ट चॉइस आपके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर एक ऑप्शन आएगा बेस्ट चॉइस का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्पेन की प्रॉक्सी आपने कनेक्ट कर लेनी है। स्पेन की प्रॉक्सी आपने कनेक्ट करनी है, ओके। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने आना है, स्पेन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, और सॉरी कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एग्री करना पड़ेगा नीचे से। एग्री करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये कनेक्ट हो जाता है, तो अगला स्टेप आपको मैं समझाता हूँ, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। जी दोस्तों, मेरा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा अपने बैक होम पेज पे आ जाता हूँ और यूसी ब्राउज़र को ऑन करता हूँ। कोई भी आपने ब्राउज़र ले लेना है, जैसा कि मैं यूसी ब्राउज़र को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये कुछ ही सेकंड में ओपन हो जाएगा। इंटरफेस आप देख सकते हैं यूसी ब्राउज़र का, तो यहाँ पे आपने न्यू टैब ओपन कर लेना। न्यू टैब ओपन करके आपने फेसबुक को लॉगिन कर लेना यहाँ में आकर, तो ये लोडिंग ले रही है, कुछ ही सेकंड में फेसबुक ऑन हो जाती है। दोबारा न्यू टैब करता हूँ, कुछ और ही ऑन हो गया था। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है फेसबुक, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, फेसबुक को ऑन कर लेना है, और आपके पास एक आईडी होना लाजमी है। मैं अभी, मेरे पास अभी कोई आईडी नहीं है, क्रिएट न्यू अकाउंट करता हूँ, करके आपको चेक करवाता हूँ। देखें गाइस, मैंने आईडी बना ली है जट जी के नाम से, देख सकते हैं मैंने एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके रखा हुआ है। तो आपने नीचे आ जाना, स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जनरल का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है।
जर्नल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करके आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा नेम का, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट नेम, जट, मिडल नेम और लास्ट नेम, ये तीन बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। तो कुछ मैं आपको सिंबल्स दूंगा जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो सिंबल्स आपने कैसे यूज़ करनी है ये मेन स्टेप है, ज़रा गौर से देख ले। मैं अपना नोट पैड ओपन करता हूँ जहाँ पे मैंने सिंबल्स बनाए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट सिंबल्स जोन सा है, यहाँ से आपने कॉपी करना है। तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, आपने इसे कैसे कॉपी करना है और कैसे पेस्ट करना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडल नेम, थर्ड नेम सॉरी। तो ये कैसे आपने कॉपी करनी है, फर्स्ट नेम के पहले से आपने यहाँ से देखें जहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके, इतना आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने बैक आ जाना है अपने यूसी ब्राउज़र के अंदर, फर्स्ट नेम पे आपने वही नेम ऐड कर लेना है। ये आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ये सिंबल्स वगैरह, ठीक है। जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता, ये टाइटल जहाँ शो हो रहा है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है, क्लिक करके इसे नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी, ओके। मैंने ऐड कर दिया फर्स्ट नेम पे, अब मिडल नेम और लास्ट नेम दोनों रह गए हैं जो मैं यहाँ से कॉपी करके ऐड करने लगा हूँ, ज़रा देखते रहना आप। और भाई लोग, जिन लोगों को समझ नहीं आई तो वो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकता है कि भाई मुझे किसी स्टेप की समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा, तो आपकी बेहतर रहनुमाई होगी। और भाई लोग, एक लाइक तो बनता है वीडियो को, तो अभी से फटाफट एक लाइक कर दें। तो मिडल नेम पे मैंने अपना सिंबल्स ऐड कर दिया, तो लास्ट नेम पे लास्ट वाला सिंबल्स यानी कि थर्ड सिंबल आपने ऐड कर लेना है। कंट्रोल पैड मैं दोबारा ओपन करता हूँ और सिंबल्स को कॉपी करने लगा हूँ। ओके, कॉपी हो गया मेरा सिंबल। अब मैं दोबारा यूसी ब्राउज़र को ऑन करता हूँ, जी को मैं ख़त्म करके यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंबल्स जो मैंने कॉपी किया हुआ था। ओके जी, डन हो गया। रिव्यू चेंजिंग पे मैंने क्लिक करता हूँ अब सिंपल। तो मेरे पास बैल हैंग हो रहा है यार, कुछ पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम कौन सा था, कितना कॉपी किया, सेकंड नेम और थर्ड नेम भी आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा चेक करवाने के लिए बता रहा हूँ। तो इतना आपने कर लेना है वहाँ पे कॉपी पेस्ट। मैं अब दोबारा अपने यूसी ब्राउज़र में आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रिव्यू चेंज का ऑप्शन आपको मिल रहा है नीचे, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप रिव्यू चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपको बोलेगी फेसबुक के अपना पासवर्ड एंटर करें और इसे नेम को सेव करें। तो ये कुछ ही सेकंड में ओपन हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि आप अपना नेम सेलेक्ट करके इसे सेव कर लें अपने पासवर्ड के साथ। मैं अपना इजीली पासवर्ड एंटर करता हूँ 7890 7890। तो सेव चेंजिंग पे क्लिक करता हूँ, डू नॉट सेव पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं गाइस, मेरी आईडी बन चुकी है। एडिट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करके दोबारा चेक भी करवा देता हूँ। देख सकते हैं आप लोग कि मेरी आईडी बन चुकी है। अब आप सोचेंगे यार, इस बंदे ने आईडी तो बना ली बट ये नेम नहीं था, कोई और नेम बताया था, तो ये कोई और नेम आ गया। तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको अपनी दूसरी आईडी में ऐड करके वहाँ पे मैसेज सेंड करके आपको चेक करवाता हूँ कि ये मेरी वही नेम की आईडी है या कोई और। जी दोस्तों, मैंने अपनी आईडी को ऐड कर लिया है। अभी तक देख सकते हैं कि नाम ही शो हो रहा है। आप कहेंगे यार पता नहीं ये क्या उन से सिम्बल्स हैं, आपने तो कुछ मुझे और बताया था, ये कोई और सिम्बल ऐड हो चुके हैं। तो घबराने की टेंशन नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है आपने। तो आपने अपनी कोई भी आईडी ऐड कर लेनी है। हाँ, वो फेसबुक की ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि फेसबुक के ओरिजिनल ऐप में ऐड होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि अभी तक वही नेम है, तो वो ऊपर एक हरून नाम की आईडी शो हो रही है। तो इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। मैंने पहला मैसेज हाय भेजा हुआ था 2 मिनट पहले, तो अब मैं हेलो भेज देता हूँ।
टाइप करके हेलो और सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ ही सेकंड में मुझे मैसेज आ जाएगा मैसेंजर के ऊपर। ये देखे मैसेज आ गया, तो अब मैं ऐप को ओपन करके चेक करवा देता हूँ कि मुझे कौन सा मैसेज आया और आईडी का नाम क्या है। देख सकते हैं गाइस, आईडी का नाम सक्सेसफुली लॉन्ग नेम, स्टाइलिश नेम और कलरफुल नेम में चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो का आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।